केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल और अन्य कांग्रेस नेता कोरोना संक्रमित हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले थे। क्या उन्होंने कोविड 19 की जांच कराई? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, लेकिन कांग्रेस को देश के लोगों की सुरक्षा की बजाय एक परिवार का हित और भ्रष्ट लोगों को जोड़ना ज्यादा जरूरी है। वहीं राहुल गांधी के बीजेपी और आरएसएस पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को यह याद रखना चाहिए कि भारत का बंटवारा कांग्रेस की नीति के कारण ही हुआ था। आज भी कांग्रेस की यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग और उनके समर्थक ही चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो देश के नामो निशान मिटाने की बात सोचते हैं, वो भारत जोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की एकता और अखंडता अक्षुण है। मैं राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को याद करवाना चाहता हूं कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने का काम, बंटवारा करने का काम कांग्रेस की नीतियों के कारण ही हुआ। और यही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में कोई चल रहा है तो टुकड़े टुकड़े गैंग चल रही है, उनके समर्थक चल रहे हैं। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो, वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हो, वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में, चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं, अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले। और ये कांग्रेस ने समय समय पर दिखाया। कोविड की शुरुआत पर भी देश में भय और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया, और देश की गरीब जनता को भी और आम जनमानस को भी कोविड के बारे में दुष्प्रचार किया। भारत के वैज्ञानिकों पर, भारत की वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। मैं फिर एक बार याद करवाना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने तब भी कोविड प्रोटोकॉल तोड़े थे, जिन्होंने तब भी भय और भ्रम फैलाया था, जिसके कारण हजारों नहीं लाखों लोगों की जानें भी गई। आज भी जब देश और दुनिया के सामने संकट है, तो कांग्रेस जिम्मेदारी को छोड़कर भ्रष्ट लोगों को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने की यात्रा कर रही है। इससे ज्यादा इसका कोई कारण नहीं दिखता है। मैं तो यही कहूंगा, अपना हित, अपने परिवार का हित छोड़ो, देश का हित पहले सोचो।